हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल। हमने एक गिलास चावल ले लिया है और एक बाउल में डालकर इसको पानी में भिगो दिया है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और ये अच्छे से भीग जाए। हम इसको 10 मिनट तक भिगोकर रख देंगे। जब तक हमारे चावल भीगते हैं तब तक हम छौंक तैयार कर लेते हैं। कुकर ले लिया हमने, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है, इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच जीरा दाना, ये हमारा चटक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने दो प्याज लिए थे, बारीक काट लिए हैं, अब वो इसको हम इसमें डालकर डाल सेक लेंगे और दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो टमाटर हमने लिए थे, उनको हमने पीस लिया था, उसकी प्यूरी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें दो कटे हुए आलू डालेंगे। आप इसमें कोई भी वेजिज डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे थे, अब वो हमने उसका पानी निकाल दिया है, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधे से थोड़ा कम डालेंगे सूखा धनिया, एक चम्मच डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी रख सकते हैं, एक चौथाई चम्मच डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि ये गरम होता है इसलिए हम मसाला गरम कम ही डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और आधा चम्मच डालेंगे हम चूर पाउडर, जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और खट्टापन भी आ जाएगा चावलों में, जिससे ये चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। अब इसको हम डालेंगे डेढ़ गिलास पानी, क्योंकि हमने एक गिलास पानी लिया था तो इसमें डेढ़ गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से चला करके हम कवर कर देंगे। इसमें दो सिटी लगवाएंगे, एक पूरी और एक आधी, ये हमारे बनकर तैयार है। अब इसको हम 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे और ध्यान रहे आप चमचे को सीधा बीच में ना डालें, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। बिल्कुल आराम से साइडों में से चमचे को डालें। ये देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो किस चीज़ पे लाई जाए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।